आज हम आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, और आज का जो टॉपिक है वो है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि जितनी भी केमिकल रिएक्शंस या केमिकल इक्वेशंस होती हैं उन सभी में चेंज होते हैं, और चेंज जो है आपके टू टाइप्स के होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। सबसे पहले समझ लेते हैं फिजिकल चेंज क्या होता है, यानी द चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस इज नोन एज फिजिकल चेंज। यानी अगर किसी भी सब्सटेंस की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज होंगी तो उसी चेंज को हम कहेंगे फिजिकल चेंज। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में आपका आता है शेप, साइज एंड स्टेट। यानी इन अदर वर्ड वी कैन से दैट अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप में चेंज हो रहा है तो वो उसका फिजिकल चेंज हो रहा है, अगर किसी भी सब्सटेंस के साइज में चेंज हो रहा है तो भी वो उसका फिजिकल चेंज हो रहा है, और अगर किसी भी सब्सटेंस के स्टेट में चेंज हो रहा है, स्टेट में मतलब अगर भाई पहले वो सॉलिड था, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, या पहले लिक्विड था बाद में गैस में कन्वर्ट हो गया, तो इस चेंज को भी हम कहते हैं आपका फिजिकल चेंज। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं, हमारे पास ये एक पेपर है और अगर हम इसका शेप देखें तो इसका जो शेप है इस पेपर का वो रेक्टेंगुलर है। अगर हम इसका शेप चेंज कर दें, यानी रेक्टेंगुलर से इसको हम फोल्ड कर दें, तो जैसे हमने इसको फोल्ड करा, फोल्ड करने के बाद जो है ये बन गया आपका सिलेंड्रिकल शेप। यानी सिलेंडर बनने पर क्या है, इसका शेप चेंज हो गया, पहले रेक्टेंगुलर था, अब जो है इसका शेप जो है सिलेंडर हो चुका है, और ये जो चेंज हुआ है इसको हम कहेंगे आपका फिजिकल चेंज। वैसे क्या है साइज में चेंज होना, अगर ये जो पेपर है अगर हम इसको टियर कर देते हैं, यानी बीच में से फाड़ देते हैं, तो इसका जो साइज है वो चेंज हो चुका है। पहले जो ये जब ये पेपर एक साथ था जुड़ा हुआ तो इसका साइज जो है बड़ा था, जब हमने इसको टियर कर दिया, फाड़ दिया, तो फाड़ने के बाद इसका साइज जो है छोटा हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ, ये भी जो चेंज हुआ ये भी आपका फिजिकल चेंज है। वैसे क्या है स्टेट में चेंज होना, यानी अगर हमारे पास आइस था और हमने उस आइस से जो है वाटर बन गई, क्योंकि आप लोग जानते हो जो आइस होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है और जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। यानी यहाँ पर क्या है स्टेट चेंज हो गई, सॉलिड से चेंज हो गया लिक्विड में, तो जहाँ पर भी स्टेट चेंज होगी किसी भी सब्सटेंस की तो वो भी आपका फिजिकल चेंज होगा। एक और बात, जो फिजिकल चेंज होते हैं, यानी फिजिकल चेंज आर रिवर्सिबल चेंज, रिवर्सिबल चेंज। यानी जो फिजिकल चेंज होते हैं जितने भी, वो सारे के सारे कैसे होते हैं, रिवर्सिबल चेंज होते हैं। रिवर्सिबल चेंज होने का मतलब क्या है, यानी जो एक बार चेंज हो गया हम उस चेंज होने के बाद भी जो पुराना वाला रूप होता है उसमें वापस लौट सकते हैं। कैसे भाई, जैसे कि हमने बताया था एक हमारे पास पेपर था, हमने क्या करा उसको फोल्ड करा तो इसका शेप चेंज हो गया, शेप पहले जो है फोल्ड करने से पहले इसका जो शेप था वो रेक्टेंगुलर था, और जैसे हमने क्या है इसको फोल्ड कर दिया इसका शेप चेंज हुआ और ये बन गया एक सिलेंडर। अब अगर हम इसको दोबारा से जो है खोल देते हैं तो ये पुराने वाले रूप में आ जाएगा, और इस तरह के चेंज को ही हम कहते हैं रिवर्सिबल चेंज, यानी चेंज होने के बाद भी दोबारा से पुराने वाले रूप में लौटाना। वैसे क्या है, अगर हम साइज की बात करें तो साइज अगर भाई ये पेपर है साइज में बड़ा है, अगर हम इसको बीच में कई सारे टुकड़ों में तोड़ दें फाड़ देते हैं तो छोटा हो जाता है, अगर हम फिर से इसको चिपका दें स्टक कर दें तो ये क्या हो जाएगा फिर से पुराने वाले साइज में लौट आएगा। तो इसलिए हमने कहा था कि जितने भी आपके फिजिकल चेंज होते हैं वो सारे के सारे रिवर्सिबल चेंज होते हैं। वैसे क्या है स्टेट में चेंज होना, कि हमारे पास आइस था और आइस को हमने क्या करा मेल्ट करा दिया, वाटर बन गया, अगर हम वाटर को फिर से फ्रीज करा देते हैं तो हमें पुराना वाला रूप यानी जो सॉलिड फॉर्म था यानी आइस था वो प्राप्त हो जाएगा।
इसलिए जितने भी फिजिकल चेंज होते हैं वो सारे के सारे रिवर्सिबल चेंज होते हैं, एक बार चेंज होने के बाद भी पुराने वाले रूप में लौटा जा सकता है। सेकंड जो चेंज है वो है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज द चेंज इन द इंटरनल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल चेंज। यानी अगर किसी भी सब्सटेंस की इंटरनल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है तो उसी चेंज को हम कहते हैं केमिकल चेंज। इंटरनल प्रॉपर्टी चेंज होने से मतलब क्या है, क्योंकि देखिए जो भी सब्सटेंस है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स का यानी जो अणुओं का अरेंजमेंट है वो फिक्स रहता है, यानी एक डेफिनेट ऑर्डर होता है मॉलिक्यूल का। जैसे कि अगर हम बात करें सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं, यानी क्लोजली पैक रहते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज रहते हैं, इनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है। अगर हम किसी लिक्विड की बात करें तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़ा दूर दूर होते हैं। वैसे ही अगर हम गैस की बात करें तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, यानी इनके बीच में और लार्ज लोट ऑफ स्पेस इज प्रेजेंट, यानी इसके बीच में क्या होता है बहुत ज़्यादा स्पेस मौजूद होता है। अगर ये जो डेफिनेट ऑर्डर है मॉलिक्यूल्स का ये चेंज हो रहा है, यानी जो ये मॉलिक्यूल्स थे सॉलिड के अंदर इनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं रहता, अगर मान लीजिए स्पेस हो गया तो हम कहेंगे इसकी जो इंटरनल प्रॉपर्टी है वो चेंज हो गई, या स्पेस था बाद में ख़त्म हो गया तो उसको भी हम क्या कहेंगे इंटरनल प्रॉपर्टी चेंज हो गई, या स्पेस था और ज़्यादा स्पेस हो गया तो उसको भी हम क्या कहेंगे इंटरनल प्रॉपर्टी चेंज हो गई। यानी किसी भी सब्सटेंस की अगर इंटरनल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है तो उसको हम कहते हैं केमिकल चेंज। और जो केमिकल चेंज होते हैं ये आपके इरिवर्सिबल चेंज होते हैं, यानी केमिकल चेंज आर इरिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज यानी जो केमिकल चेंज होते हैं वो इरिवर्सिबल चेंज होते हैं, यानी जो एक बार चेंज हो गया उसको पुराने वाले रूप में हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते, जो चेंज हो गया वो परमानेंट चेंज हो गया, उसको बदला नहीं जा सकता। जैसे भाई एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं सिंपल सा एग्जांपल, मान लीजिए हमारे पास मिल्क था, यानी टर्निंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड यानी दूध से दही का बनना क्या है केमिकल चेंज। कैसे भाई हमारे पास मिल्क था और हमने क्या कर दिया उससे कर्ड यानी दही बना लिया, क्योंकि जो मिल्क है वो थिन होता है तो इसके अंदर इसके मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट है वो थोड़ा ज़्यादा होगा, मतलब इनके बीच में मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस होता है। कर्ड थोड़ा थिक होता है, गाढ़ा होता है, इसलिए इसके मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस कम होगा, यानी दोनों की इंटरनल प्रॉपर्टी चेंज है। अब जैसे ही क्या है दूध से दही बन गया तो ये केमिकल चेंज हो गया, क्योंकि और जो केमिकल चेंज होते हैं वो इरिवर्सिबल चेंज होते हैं, यानी पुराने वाले रूप में हम नहीं लौट सकते। अगर हम चाहें जो हमने दही बना लिया क्या हम उससे दूध फिर से बना सकते हैं, नहीं बना सकते, क्योंकि ये केमिकल चेंज हुआ है और केमिकल चेंज इरिवर्सिबल चेंज होते हैं, इसलिए हम इसको पुराने वाले रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और सेकेंड एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ पेपर कागज का जलाना। वैसे तो बर्निंग को एनीथिंग हम यहाँ पे कह सकते हैं कि क्योंकि किसी को भी अगर हम जला रहे हैं तो वो केमिकल चेंज हो रहा है, और केमिकल चेंज के दौरान जो भी सब्सटेंस बनेगा वो परमानेंट हो जाता है, यानी उसको आप पुराने वाले रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे कि हमारे पास पेपर था हमने उसको बर्न यानी जला दिया और जलाने के बाद हमें क्या है राख मिली एस, क्योंकि जो पेपर है वो हार्ड होता है अगर हम राख की कंपेयर करें तो, और राख जो है पेपर की तुलना में सॉफ्ट होती है। अगर हम दोबारा से राख से पेपर बनाना चाहें तो हम नहीं बना सकते, क्योंकि राख जो बन चुका है वो केमिकल चेंज के दौरान बना है और केमिकल चेंज के दौरान जो भी प्रोडक्ट जो भी सब्सटेंस बनेगा वो परमानेंट होगा, आप उसे पुराने वाले रूप में चेंज नहीं कर सकते। कुकिंग ऑफ द फूड यानी खाने का पकना वो भी केमिकल चेंज है, यानी अगर हम दोबारा से एक पके हुए खाने से कच्चा खाना प्राप्त करना चाहें तो नहीं कर सकते,
क्योंकि खाना जो पकता है वो केमिकल चेंज के दौरान पकता है, और केमिकल चेंज के दौरान जो सब्सटेंस बनेगा या जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो परमानेंट होता है। इसलिए हम कहते हैं कि केमिकल चेंज कैसा होता है, इरिवर्सिबल चेंज होता है, इसको पुराने वाले रूप में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।